भाई कैसे हैं आप सब? ठीक है तो यार वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यार अभी अभी मैंने देखा हमारा जो इनक्यूबेटर है ना दोस्तों, अरे यार शॉप पर क्या कर रहा है बीच में। तो इनक्यूबेटर जो है दोस्तों हमारा, इसका जो है ना टेम्परेचर तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी जो नमी है ना वो नीचे गिरना शुरू हो चुकी है। तो हमने जब अंदर देखा तो क्या हुआ कि यार पानी जो है ना इसका ख़त्म हो रहा है। तो हम क्या करते हैं यार, पानी जो है ना इसका ना अंदर भर देते हैं ताकि नमी इसकी दोबारा पूरी हो जाए। तो चलें यूँ करते हैं। तो चलें यार दोस्तों इसको रख देते हैं, अभी ऊपर करो यार। तो इस पानी को भाई रख देते हैं अंदर। यार ये बड़ा ही दोस्तों मुझे मुश्किल काम लगता है, क्योंकि अगर पानी अंदर गिर गया ना इनक्यूबेटर फूल सकता है हमारा अंदर से। चलो भाई इसको भी चेंज, सारा का सारा पानी और खुश हुआ मैंने देखे। तो यार पानी हमने तीनों डब्बों में डाल दिया, तीन डब्बे मैंने अंदर रखे हुए नमी को कंट्रोल करने के लिए। तो इंशाल्लाह यार दुआ कीजिएगा दोस्तों, यार बच्चे छच्चे जो है ना निकल आए, पहला एक्सपीरियंस है। अगर पहली दफ़ा हमें रिजल्ट अच्छा मिल गया ना तो हमें मतलब अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इसमें से बच्चे निकलवा सकते हैं। तो अभी तो आप लोगों को पता है हमने सिर्फ इसमें बत्तख के और असील मुर्गी के अंडे रखे हैं। अगर हमें इस दफ़ा रिजल्ट अच्छा मिल गया ना तो अगली दफ़ा मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि फैंसी मुर्गियों के या तो किसी मोर शोर के या किसी भी चीज़ के ना अंडे इसके अंदर रखें। देखिए दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ऊपर आ रहा है, मैंने खोला था ना इसलिए टेम्परेचर जो है ना इसका नमी भी और टेम्परेचर भी है, देखिए नीचे हो गया काफ़ी, 31 पे आ गए। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ऊपर हो जाएगा। चले यार घर चलते आज। चेक करें दोस्तों इतना जबरदस्त किस्म का नज़ारा होया बड़ा ये चीज़। आए हाय 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 अभी चलें यार टिकटॉक में पूरे बाहर में है चार से सुनाओ में है तो मैं चढ़ कर ओहो भाई ओए की हाल चले जा कम कर जा यार ऐसे भाई यहाँ पे हमारा अगर घर होता तो उसमें मज़ा ही आया ना, तो कुमरों के बच्चे रह जाते यहाँ से जो चीज़ भी करनी पड़ती आराम से जो जाना उनका मतलब के फुल ही जबरदस्त किस्म का सीन हो रहा है, मज़ा ही आया। खैर चलते हैं अपनी स्कूटी पे घर पे। हम अपने ना बर्ड्स के लिए ना ताले लेके आए, क्योंकि यार हम घर होते नहीं हैं तो इसलिए यार बस हम होते नहीं हैं यहाँ पे, इसलिए हम ये ना ताले लगा देंगे ताकि हमारे परिंदे जो है ना महफूज रहें। एक इसके लिए लगाएंगे दोस्तों और एक अपने लगाएंगे रैबिट्स के लिए, दोनों केजेस हमारे कवर हो जाएंगे फिर हमें कोई टेंशन नहीं होगी। तो ये ताले तो हम बाद में लगाएंगे, पहले वीडियो बना लेते हैं भाई। इनको खोल देते हैं क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमें खोल दो और देखें कैसे शोर मचा रहे हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई खोल रहा हूँ खोल रहा हूँ। पहले यार फिंचेस देख लेते हैं, कोई फिंच तो नहीं मारी यहाँ पे आई भी नहीं आई भी। तो अब खोल देते हैं इनको, शोर मचाया है वह चुप हो जाओ भाई। चलो भैया चलो भाई हो गया हो गया हो गया हो कौन रह गया? सुपराइट एक रह गया यार, ये बैठा ये आ गया ये हो गया। और जैरी के दोस्तों और जैरी को और अपनी इस देसी मुर्गी को भी खोल देते हैं जल्दी से। और अभी दोस्तों हमारा यार एक छोटा सा नुकसान हो गया, वो ये है कि अभी हम आए हैं हमने एक कपड़ा ऊपर किया, कपड़े के पीछे ना एक बिल्ला बैठा हुआ था, कैट बैठी हुई थी, तो उसने यार नुकसान किया है। ये किया है कि हमारे जो दो बटेर हैं ना दोस्तों उन्होंने ज़ख्मी कर दिए यार, इस बटेर को दोस्तों उसने ज़ख्मी कर दिया है बिल्ली ने, और एक और बटेर था वो यहीं कहीं पे घूम रहा था। ये भी हुआ वो ये भी है दो, मतलब उनको किया दोस्तों जो हम कल न्यू लेके आए थे। नज़र लग गई यार हमारे को इसको भी यार बिल्ले ने दोस्तों, ये देखें एक और दो, वो जो अभी आपको दिखाया एक तीसरा है वो देखें पेटी के पीछे खड़ा हुआ है, इसकी टांग पे हमला किया यार ये बिल्ले दोस्तों, मुझे इतने गुस्सा चढ़ता है इन बिल्लों के ऊपर। अब इनको यार हम या तो ना उस घर लेके चले जाएंगे कुछ दिन के लिए, वहाँ पे इनकी ट्रीटमेंट करके जब ठीक हो जाएंगे तब हम इनको वापस यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये कंफर्म हो चुका है हमारे जो दो डकीज़ हैं ना, ये जो दोनों फीमेल्स हैं मुझे कंफर्म हो चुका है, क्योंकि पता लग गया यार इनका, ये अब मतलब सेट हो चुका है हमारे डकी डिस्को का, ये मेल है और ये तीनों फीमेल्स हैं। तो कुछ मंथ बाद दोस्तों ये डकीज़ भी अंडे देना शुरू कर देंगी, और इसका मैं सोच रहा हूँ यार हमारी ना पूरी फैमिली बन चुकी है डक की, तो इसका आज के हम नाम रख देते हैं डिस्को गैंग, डिस्को ना गैंग के नाम से इनको पुकारेंगे इंशाल्लाह। ये डिस्को है बाकी इनकी तीनों फीमेल्स पीछे। दोस्तों मैंने बिल्कुल ताज़ा पानी डाला, देखिए पानी बिल्कुल साफ़ है, कुछ देर में देखिएगा ये कीचड़ बन जाएगा। रैबिट बेबीज की दोस्तों मस्ती चेक करें कैसे यार इधर उधर घूमें, इनकी का जो है ना डर ख़त्म हो चुका है इसलिए ना बाहर घूम रहे होते हैं। देखें ये बैठा हुआ दोस्तों पाला खा रहा है, ये इधर घूम रहा है मतलब, लेकिन हमें बिल्ली का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि बिल्ली को पता चल गया यहाँ पे मेरे खाने के लिए चीज़ें बेताश हैं, तो इसलिए यार कुछ करना पड़ेगा यहाँ तो हमें इसे उसे पूरा कवर करना पड़ेगा ताकि बिल्ली यहाँ पे आ ही ना सके। तो दुआ कीजिएगा दोस्तों बिल्ली दोबारा ना आए और दोबारा हमला ना करें इनका।
तो दोस्तों मैं जब भी अपने इस वाले सेटअप पे आता हूँ तो मैं घर से ना कुछ ले आता हूँ, जैसे रोटी चूर के ले आता हूँ, इसके अलावा यहाँ पे इनके लिए और वैरायटीज हैं, चावल वगैरह अच्छे डालते हैं। देखें भाई कैसे खा रहे हैं सोच के। जारी किधर गया? जेरी डरता ही बहुत है यार, जेरी नहीं खा रहा, उसको साइड पे डाल दो। आप लोग बताएं यार, काफी भाई मुझे कहते हैं 50% भाई कहते हैं भाई ये जेरी मेल है, 50% भाई कहते हैं भाई ये फीमेल है, तो अब कंफर्म नहीं हो रहा यार फीमेल है कि मेल है। अब मुझे कंफर्म तो तभी होगा जब ये पूरा बड़ा हो जाएगा, बाकी मैं कम्युनिटी में पूछूंगा भाई ये मेल है कि फीमेल है। पटेर भाग गया, पटेर भाग गया। ओए ओए भाई, ओ भाई 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 भाई, ओ शुक्र है भाई। दोस्तों रोटी डालनी, देखिए कैसे पैरट खा रहे हैं माशाल्लाह। हमारे पैरट जो चीज़ डालें ना बड़े ही शौक से खाते हैं, ये देखें क्या बात है। बस दोस्तों कुछ देर और उसके बाद हमारे कुमरों के भी बच्चे निकल आएंगे और हमारी सोती के तो बच्चे निकलने वाले हैं, और उस फीमेल ने भी पता नहीं अंडे दे दिए, इसने भी मतलब फिर से हमारे सेटअप पे रौनकें लगने वाली है इंशाल्लाह। यार मुझे दोस्तों एक चीज़ का अफसोस हो रहा है यार बटेरों का, और दूसरी बात ये है कि यार हमारा जो ये ग्रीन पैरट है ना जो हमें गिफ्ट मिला था, बाकी सारे बर्ड्स ठीक है हमारे, इसको भी भला कि मैंने चीट भी लगाई हुई, आगे से भी मैं ढक के जाता हूँ, लेकिन ये पता नहीं क्यों हमारा सुस्त सा ही रहता है। जब से आया दोस्तों वैसा का वैसी ही, देखें या तो इसको कोई फीमेल नहीं मिली हुई शायद इसलिए है ये, बाकी खाता पीता बिल्कुल ठीक है, खाना पीता है, उसके बाद दोस्तों फिर ये ना चुप करके वहाँ जाके बैठ जाता है पूल के, तो बताइएगा दोस्तों ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो यार मुझे एक आइडिया आ रहा है, हमारे लवबर्ड्स को ना तकरीबन अंडे दिए हुए तकरीबन एक हफ्ता हो गया, जब हमारे हमने इनक्यूबेटर चलाया था ना जो अंडे रखे थे उसी टाइम तकरीबन इन्होंने अंडा दिया था, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि यार क्यों ना आज इनकी हम कैंडलिंग करके देख लें कि क्या अंडे फर्टाइल है कि अनफर्टाइल, अगर अनफर्टाइल होंगे तो इन अंडों का कुछ कर लें, अगर फर्टाइल हुए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने अंडे सारे के सारे, ओए 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 तोड़ना नहीं, सारे के सारे अंडे मैंने चेक किए हैं, अफसोस के सारे अंडे दोस्तों हमारे ख़राब हैं, तो फीमेल्स मुझे लगता है भी और अंडे देंगी, और यार ये दोनों ही फीमेल हैं, तो हम क्या करते हैं इन अंडों को वापस मटकी के अंदर रख के ना मटकी लगा देते हैं, क्योंकि ये वाला तो पूरा पेयर है कन्फर्म, आप लोगों को पता है हमने चेंज करवा लिया था एक मेल, तो ये अंडे देने वाला है इसके तो 100% अंडे फर्टाइल होंगे, तो ये इसकी मटकी पर कब्जा ना कर लें, इसलिए जो है ना ये देखें ये देखें ये देख रहे हैं आप लोग ये, तो इसलिए हम इनकी मटकी और अंडे वापस रख देते हैं। हमारी डाउजेंड ने यार एक और मसला कर दिया है दोस्तों, 7 अंडों में से अब ये आखिरी बचा हुआ है, ये पता नहीं ठीक है कि नहीं, अब इसको पड़ा ही रहने देते हैं यहाँ पे भाई। 7 अंडों में से भाई एक अंडा बचा है, अब ये भी कल तक गायब हो जाना मुझे तो लग रहा है, क्या करें यार। सिर्फ और सिर्फ इस पर अब उम्मीद है कि इसके बच्चे निकल आए, और इसने भी यार यहाँ पर भी दो फीमेल्स बैठी हुई शायद, मैंने आपको बताया था 3 अंडे थे, नहीं नहीं एक ही फीमेल बैठी है, और इसके नीचे अंडे हैं भाई 1 2 3 4 अंडे हैं इसके नीचे भाई, देखो क्या होता है यार। इनको ना मैं ये जैसे आपको कुल्स का कहा था ना, कुल्स लेके आएंगे तो हम ले आए, इनका कुछ सेटअप बनाते हैं, इनको लहजा लहजा शिफ्टिंग करनी पड़ेगी यार, ऐसे तो हमारा सारा नुकसान होता जाएगा डायमंड हाउस का। मैंने आपको कहा था भाई ये पानी गंदा कर देंगे, देखिए अब ये देखें ग्रीन कलर का पानी कर दिया इन्होंने, कितना साफ शफाफ पानी था, और चेक करें पानी का हाल, चेक करें दोस्तों लाफिंग डब आई है और उड़ गई, वो उड़ के पता नहीं किधर चली गई है, और एक बैठी हुई यहाँ पे, ये भी दोस्तों आती होंगी हमारे यहाँ पे क्योंकि दाना शाना पड़ा रहता है तो ये खाती होंगी। करें दोस्तों हमारे मिनी जूम में दोस्तों इतनी सारी रौनकें लग चुकी हैं माशाल्लाह से, चेक करें मुर्गे शुर्गी हैं बतकें शतकें, चेक करें भाई ये बेंटम शेंटम सब ब्राइट खरगोश जैरी जूरी सब कुछ माशाल्लाह। तो यार दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं कि वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।